गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इम्प्रेस वन को सही प्रकार से सीखा होगा, क्योंकि इम्प्रेस वन यहीं पर पूरा होता है। अगले क्लास में आप सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। आज की क्लास में आप सभी इम्प्रेस वन में जो सिखाया गया है उन सभी ऑप्शन में से कुछ ऑप्शंस का रिवीजन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रिंट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? प्रिंट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस पी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होता है और इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? फाइंड से आप पैराग्राफ में किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस से उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हेडर और फुटर से क्या होता है? हेडर और फुटर से आप स्लाइड में डेट एंड टाइम, कोई भी हेडिंग, टाइटल अथवा स्लाइड नंबर को स्लाइड के बॉटम में इंसर्ट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग का उपयोग क्यों करते हैं? बुलेट्स एंड नंबरिंग का उपयोग कोई लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इससे आपके लाइन के आगे नंबर या सिंबल आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं स्लाइड डिजाइन का उपयोग क्यों करते हैं? स्लाइड डिजाइन से आप स्लाइड के डिजाइन को बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपर केस से क्या होता है? अपर केस से आप पैराग्राफ के सभी लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हैं। अब आप कंप्यूटर को ऑन करें, इम्प्रेस की फाइल को ओपन करें। क्या आपने फाइल को ओपन कर लिया है? आइए जानते हैं कि आज की क्लास में क्या रिवीजन करेंगे। आज आप पीडीएफ की फाइल को बनाएंगे। डुप्लीकेट की मदद से इमेज की डुप्लीकेट कॉपी करके दिखाएंगे। हेडर फुटर का उपयोग करके दिखाएंगे। स्लाइड के डिजाइन को चेंज करके दिखाएंगे। कस्टम एनिमेशन का उपयोग करेंगे। आखिर में हाइपरलिंक को इंसर्ट करके दिखाएंगे अथवा इन सभी ऑप्शन का रिवीजन करेंगे। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले चार स्लाइड को इंसर्ट करके दिखाएं और हर स्लाइड में अलग-अलग डिजाइन होना चाहिए। पहले स्लाइड में आप लेआउट में से टाइटल स्लाइड को ले और दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें। अब आप एक लाइन पर बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट कलर की फॉर्मेटिंग करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से करें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि लाइन पे बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट कलर कैसे करते हैं। सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको बोल्ड करना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे लाइन को सेलेक्ट किया। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को बी लिखे हुए ऑप्शन पे लेके जाना है और वहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, जो हमने लाइन सेलेक्ट किया था वो लाइन बोल्ड हो गया। आप चाहें तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस बी होता है। अब अगली लाइन को फिर से सेलेक्ट करें। हमने लाइन को सेलेक्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद पॉइंटर को आई लिखे ऑप्शन पे लेके जाना है और वहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो हमारी लाइन है उस लाइन पे इटैलिक हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने अगली लाइन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए आप टच पैड, माउस या कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। लाइन को सेलेक्ट करें, ए लिखे ऑप्शन पे लेके जाएं, ये फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, और वहां के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे कलर बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कलर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप किसी एक कलर को सेलेक्ट कर लें, जो कलर आपको पसंद है वह कलर आपके लाइन पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट कलर का उपयोग करना सीख सकते हैं। अगली स्लाइड में आप ब्लैंक स्लाइड लें, उसमें अर्थ का पिक्चर ड्रॉ करें और इसके बारे में कुछ लाइंस लिखें।
अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि गैलरी में से किसी इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले एक नया स्लाइड लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक नया स्लाइड लिया। अभी हमारे पास कंटेंट स्लाइड है, इसको सबसे पहले हम ब्लैंक स्लाइड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ब्लैंक स्लाइड लेने के लिए आप लेआउट में जाएं और वहां पे ब्लैंक स्लाइड को सेलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड लिया, अब हमारे पास ब्लैंक स्लाइड आ गया है। क्योंकि हमें इसके अंदर इमेज को इंसर्ट करना है, पॉइंटर को टूल ऑप्शन पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें, एक बॉक्स आ जाएगा और गैलरी के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। क्योंकि हमें अर्थ का पिक्चर इंसर्ट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कैटेगरी दिया हुआ है, तो हम इन्वायरमेंट कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने इन्वायरमेंट पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस या चित्र आ गए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इमेज दिया हुआ है, आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें अर्थ के पिक्चर को इंसर्ट करना है, इसीलिए हमने अर्थ के पिक्चर को सेलेक्ट किया, उस पर राइट क्लिक किया। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, वहां पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और फिर कॉपी पे क्लिक कर दें। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे, जो आपका इमेज है वो स्लाइड पे आ जाएगा। अब हमें जो गैलरी का ऑप्शन है उसको हाइड करना है, उसके लिए सबसे पहले टूल्स मेन्यू पे क्लिक करें और फिर से गैलरी को सेलेक्ट कर लें। जो आपका टूल का ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट बना हुआ है। जब तक ये सेलेक्ट है तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं या फिर इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम इसके साइज को कम या ज्यादा कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे मूव भी कर सकते हैं, इसको मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रख सकते हैं। क्योंकि अब हमें इसके बारे में लिखना है, जैसे कि आप जानते हैं ब्लैंक स्लाइड में लिखने के लिए हम टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर स्लाइड पे जाके एक बॉक्स को ड्रैग करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और हमें यहाँ पे टाइप करना है, कीबोर्ड की मदद से हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है द इन्वायरमेंट, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप चाहे तो कुछ भी लाइंस लिख सकते हैं, उस इमेज से रिलेटेड कोई भी लाइन टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे लाइन लिखा जा रहा है। सबसे पहले हमने द लिखा, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, फिर आगे हमने टाइप करना स्टार्ट किया, एज लिखा, फिर वेयर वी ऑल मीट, फिर आगे हमने टाइप करना स्टार्ट किया, वेयर ऑल हैव अ म्यूचुअल इंटरेस्ट। इज द वन थिंग ऑल ऑफ अस शेयर। इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी लाइन टाइप कर सकते हैं इस पिक्चर से रिलेटेड। जरूरी नहीं कि जो वीडियो में दिखाया गया आप वही टाइप करें, आप कोई से भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बारे में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपने को वीडियो में दिखाया गया, हमने यहाँ पे अर्थ का पिक्चर इंसर्ट करा और उसके बारे में एक लाइन टाइप किया। आप चाहें तो लाइन के साइज को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप इसे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगली स्लाइड में दिए गए चित्र को बनाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से बनाएं। आइए वीडियो की मदद से किसी ड्राइंग को इंसर्ट करना सीखें। सबसे पहले एक नया स्लाइड लें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नया स्लाइड कैसे लेते हैं,
अब हमें इसकी डिजाइन को चेंज करना है। इसकी डिजाइन को चेंज करने के लिए फिर से स्लाइड पे क्लिक करें, आपको राइट क्लिक का उपयोग करना है, फिर स्लाइड डिजाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, फिर लोड पे क्लिक करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लोड पे क्लिक किया, डिजाइन के अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। इसकी जो कैटेगरी देख सकते हैं आप, माय टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड, प्रेजेंटेशन, इनमें से प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें और कोई एक डिजाइन को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया, डार्क ब्लू विथ ऑरेंज, ये एक डिजाइन का प्रकार है। हमने इसको सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया, ये डिजाइन आपके स्लाइड पे आ जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अब स्लाइड का डिजाइन चेंज हो गया है। अब हमें इसके अंदर ड्राइंग को इंसर्ट करना है, ड्राइंग को बनाना है। इसके लिए अपने पॉइंटर को ड्राइंग टूल बार में लेके आए, शेप में से किसी भी शेप को आप सिलेक्ट कर लें जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जिसे आप बनाना चाहते हैं, अपने मनपसंद कोई से भी शेप ले लें। हमने यहाँ पे एक शेप को सिलेक्ट किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और इसको फिर स्लाइड पे जाके ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद वो इमेज बन जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको मूव कर सकते हैं, मूव करके कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये लाइन एंड फिलिंग है, इसकी मदद से आप किसी भी इमेज के लाइन को, उसके कलर को, उसके अंदर कलर करना, ये आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने लाइन को सिलेक्ट किया, अगर हमें इसके विड्थ को बढ़ाना है तो इसके विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर इसके लाइन के कलर को चेंज करना है तो हम इसके लाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो कलर के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लें जो आपको पसंद हो। हमने यहाँ पे एक कलर को सिलेक्ट किया, अगर आपको इसके अंदर कलर करना है तो कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ गया है, नन, कलर, बिट मैप, ग्रेडियंट, इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे बिट मैप को सिलेक्ट किया और इसके अलग अलग प्रकार के डिजाइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने एक डिजाइन मेटल वाले को सिलेक्ट किया, उस प्रकार के डिजाइन उस इमेज के अंदर आ गया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ड्रॉइंग टूल बार की मदद से कोई ड्रॉइंग को इंसर्ट कर सकते हैं और साथ साथ में डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। अगली स्लाइड में दिए गए चित्र को बनाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से बनाएं। आइए वीडियो की मदद से किसी कॉपी का डुप्लीकेट कैसे करते हैं यह सीखें। सबसे पहले आप एक स्लाइड को इंसर्ट करें। हमने यहाँ पे एक नया स्लाइड को इंसर्ट किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको इसका डिजाइन चेंज करना है या इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। आप सभी को अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाना है। जैसे हमने अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए, वहाँ पे एक बॉक्स आ गया और फिर पेज पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ गया और हम फिर बैकग्राउंड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कलर, ग्रेडियंट, हैचिंग, बिट मैप। अगर आपको इनमें से कलर लगाना है या कुछ डिजाइन लगाना है तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कलर को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्रकार के कलर आ गया है। इनमें से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लें जिसे आप अपने स्लाइड पे लगाना चाहते हैं। हमने एक कलर को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बैकग्राउंड सेटिंग फॉर ऑल पेजेस। अगर सिर्फ इसी एक स्लाइड पे आप चेंज करना चाहते हैं जिसे आपने सेलेक्ट किया है तो उसके लिए आप नो का उपयोग करेंगे, नो पे क्लिक कर दें। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही स्लाइड पे चेंज करना है इसलिए हमने नो पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने नो पे क्लिक किया, जो हमारी लास्ट वाली स्लाइड था उसका पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब हमें इसके अंदर कोई ड्रॉइंग को बनाना है। ड्रॉइंग बनाने के लिए ड्रॉइंग टूल बार का उपयोग करें, वहां पे जाके किसी एक शेप को सिलेक्ट कर लें, किसी एक इमेज को सिलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने एक इमेज को सिलेक्ट किया और उसे ड्रैग करके अपने स्लाइड पे बना दिया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लाइन को, इसके लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, लाइन एंड फिलिंग की मदद से हम इसके लाइन के कलर को चेंज कर रहे हैं और इसके अंदर हम कलर भी करेंगे।
जैसे कि आपको वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, हमने एक कलर सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट था, जो चित्र बना हुआ है, उसके लाइन का कलर चेंज हो गया है। इसी प्रकार से अगर हमें इसके अंदर कलर करना है, कलर करने के लिए हमने कलर के ऑप्शन पे गए और इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे चित्र का ऑब्जेक्ट, हमारे शेप्स का कलर चेंज हो गया। अब आप डुप्लीकेट की मदद से डुप्लीकेट करके दिखाएं और बताएं इससे क्या होता है। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से बनाएं। अब हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। सबसे पहले इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर अपने पॉइंटर को एडिट मेन्यू पे लेके जाना है। हम अपने पॉइंटर को एडिट मेन्यू पे लेके गए और डुप्लीकेट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने डुप्लीकेट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉपीज। जितनी भी कॉपीज आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे चार कॉपी बनानी है, तो हमने यहाँ पे चार नंबर ऑफ कॉपीज में चार को सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे कलर का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, स्टार्ट और एंड। इसका मतलब यह है कि आपका जो इमेज, जो आपकी जो डुप्लीकेट कॉपी आएगी वो किस कलर से स्टार्ट होना चाहिए और जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा वो किस कलर पे खत्म होनी चाहिए। हमने स्टार्ट कलर में ब्लू को सिलेक्ट किया। आप कोई से भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई से भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वही कलर को सिलेक्ट करना है। फिर उसी प्रकार से हमने एंड के ऑप्शन में भी, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि स्टार्ट ब्लू और एंड ऑरेंज, उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर दें। जब आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चार डुप्लीकेट कॉपीज आ जाएंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और वे अलग अलग कलर की होंगी। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ऑरेंज कलर की है क्योंकि सबसे लास्ट वाली कॉपी है, इसीलिए ऑरेंज कलर का है। आप इसको ड्रैग करके साइड में रख दें, फिर से दूसरे इमेज को सेलेक्ट करें, उसे ड्रैग करके साइड में रखें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फिर से ड्रैग करें, उसको साइड में रखें और लास्ट वाले इमेज को भी ड्रैग करके साइड में रख दें। तो आप देख सकते हैं एक इमेज की चार डुप्लीकेट कॉपीज यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप डुप्लीकेट की मदद से कितनी भी कॉपीज बना सकते हैं। इस प्रकार से आप डुप्लीकेट का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप हेडर फुटर की सहायता से स्लाइड के बॉटम में डेट, कंप्यूटर शिक्षा और स्लाइड नंबर को इंसर्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि हेडर और फुटर का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जितने स्लाइड को इंसर्ट किया है, तो आप यहाँ पे चार स्लाइड को देख सकते हैं। सबसे पहले स्लाइड को सिलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर अपने पॉइंटर को व्यू के मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें। फिर से आप हेडर फुटर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। क्योंकि हमें हेडर और फुटर लगाना है, सबसे पहले स्लाइड पे लगाना है, इसलिए स्लाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले उसे सिलेक्ट कर लेंगे, वेरिएबल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पहले से डेट के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप उसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके फॉर्मेट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप फुटर टेक्स्ट में कुछ लिखना चाहते हैं, सबसे पहले फुटर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर फुटर टेक्स्ट के बॉक्स के अंदर क्लिक करें और उसके अंदर जो आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे हमें कंप्यूटर शिक्षा लिखना है तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा टाइप कर दिया। फिर स्लाइड नंबर को इंसर्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे हमने स्लाइड नंबर पे क्लिक किया तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड नंबर का एक बॉक्स आ गया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं डेट एंड टाइम के लिए सबसे पहले, फुटर के लिए ये बीच में और स्लाइड नंबर के लिए लास्ट में, ये तीन अलग अलग प्रकार के बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। लास्ट वाला ऑप्शन डू नॉट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड का ऑप्शन है। अब हमें हर एक स्लाइड पे हेडर फुटर लगाना है, इसीलिए हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
अगर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी स्लाइड पे आएगा जिस स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे डेट, कंप्यूटर शिक्षा और स्लाइड नंबर आ चुका है। अगर आप इसे बड़े स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो आप इसे बड़े स्क्रीन में देख सकते हैं, स्लाइड शो पे क्लिक करें या फिर F5 प्रेस कर दें तो आपका जो स्क्रीन है वो बड़े में आ जाएगा, बड़ी स्क्रीन में आ जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, कंप्यूटर शिक्षा और स्लाइड नंबर, ये तीनों चीज इंसर्ट हो चुका है। अगर आप हर एक स्लाइड को देखना चाहते हैं तो इसके लिए एरो की बटन का उपयोग करेंगे, डाउन एरो की का उपयोग करेंगे तो आप वो सारे स्लाइड को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेकंड स्लाइड आ चुका है, फिर से डाउन एरो की के बटन को प्रेस किया, थर्ड स्लाइड, फिर से डाउन एरो की को प्रेस किया तो फोर्थ स्लाइड। अगर आप बड़े स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप का बटन का उपयोग करें, जैसे एस्केप का बटन का उपयोग करेंगे तो आप स्लाइड से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप हेडर और फुटर का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप इन सभी टेक्स्ट अथवा ड्राइंग पर कस्टम एनिमेशन को लगा के दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से लगाएं। आइए वीडियो की मदद से कस्टम एनिमेशन का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चार स्लाइड को इंसर्ट किया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारे पास चार स्लाइड है और इस पे अलग अलग प्रकार के इमेज और टेक्स्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने पहले स्लाइड को सिलेक्ट किया और फिर अपने पॉइंटर को स्लाइड शो ऑप्शन पे लेके गए और कस्टम एनिमेशन पे क्लिक कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कस्टम एनिमेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कस्टम एनिमेशन का, लेकिन आप देख रहे होंगे जो कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन है ये अभी हाइड है, अभी शो नहीं कर रहा। शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी इमेज को सेलेक्ट नहीं किया। जैसे ही हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कस्टम एनिमेशन का जो ऑप्शन है वो शो हो गया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कस्टम एनिमेशन के ऑप्शन पे गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आया हुआ है, हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉक्स आ गया है और यहाँ पे कस्टम एनिमेशन के अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है, जहां से आप कस्टम एनिमेशन लगाना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंट्रेंस को सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे स्क्रोल डाउन करके देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद हो और फिर ओके पे क्लिक कर दें। हमने एक कस्टम एनिमेशन को सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया वो एनिमेशन आपके टेक्स्ट पे आ जाएगा। अब सेकंड स्लाइड को सेलेक्ट करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे अर्थ बना हुआ है, हमने अर्थ को सेलेक्ट किया, फिर से हमने ऐड पे क्लिक किया, कस्टम एनिमेशन के ऑप्शन में गए, किसी एक को सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करा, यहाँ पर हमने एग्जिट पे क्लिक किया है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देख सकते हैं आप, डिसअपीयर, डिजोल्व, फ्लैश वन, फ्लाई आउट, पिक आउट, प्लस, रैंडम बार। तो ये अलग अलग प्रकार के कस्टम एनिमेशन है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इनसे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं। स्पिन, कोई सा भी आप एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने फिर से एंट्रेंस पे सेलेक्ट किया और फ्लैश वन को सेलेक्ट किया, फिर फ्लाई वन, जो भी आपको पसंद है उसको एक बार सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर दें। फिर अगली स्लाइड को सेलेक्ट करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने अगली स्लाइड को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये शेप बना हुआ है, इस शेप को हमने सेलेक्ट किया, फिर से हम कस्टम एनिमेशन के ऑप्शन पे गए और वहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक करते ही कस्टम एनिमेशन के ऑप्शन आ गए। इनमें से फिर से किसी एक कस्टम एनिमेशन को सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद हो और उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर से अगली स्लाइड को सिलेक्ट करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने अगली स्लाइड को सिलेक्ट किया, हमने सबसे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया कस्टम एनिमेशन में, हमने उसको सिलेक्ट करके उस पर कस्टम एनिमेशन लगा दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने एक एनिमेशन को सिलेक्ट किया, फिर ओके पे क्लिक कर दिया। फिर से अगले इमेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने अगले इमेज को सिलेक्ट किया, फिर से ऐड पे क्लिक किया और कोई से भी एनिमेशन को सिलेक्ट करें, ओके पे क्लिक कर दें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फिर से अगली इमेज को सेलेक्ट करें
अपने मनपसंद कोई से भी एनिमेशन को सेलेक्ट करें, ओके पे क्लिक कर दें, फिर से अगली इमेज को सेलेक्ट करें, ऐड पे जाएं, कोई से भी एनिमेशन को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ओके पे क्लिक करें, लास्ट वाले इमेज को सेलेक्ट किया, फिर कस्टम एनिमेशन के ऑप्शन पे गए और हमने स्पिन इन जो एक कस्टम एनिमेशन का प्रकार है उसको हमने सेलेक्ट करके उस इमेज पे लगा दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कस्टम एनिमेशन को चारों स्लाइड पे लगाया। आप अगर आप इन कस्टम एनिमेशन को बड़े स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो अपने पॉइंटर को स्लाइड शो पे लेके जाएं, क्लिक करें, स्लाइड शो का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप शॉर्टकट कमांड का उपयोग कर सकते हैं, F5 बटन दबाएं कीबोर्ड में से। अगर आप सारे स्लाइड को देखना चाहते हैं अप और डाउन एरो की का उपयोग कर सकते हैं, डाउन एरो की करके आप सारे स्लाइड को देख सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हम यहाँ पे डाउन एरो की कर रहे हैं तो वो सारे स्लाइड दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्लाइड, अलग अलग कस्टम एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से आप कस्टम एनिमेशन को उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप हाइपरलिंक को लगा के दिखाएं और फिर उसे ओपन करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से लगाएं। आइए वीडियो की मदद से हाइपरलिंक को लगाना सीखें। हाइपरलिंक लगाने के लिए सबसे पहले आप उस स्लाइड को सेलेक्ट करें जिस स्लाइड पे आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं। हमने यहाँ पे थर्ड स्लाइड को सेलेक्ट किया, इंसर्ट मेन्यू पे लेके गए और वहाँ पे क्लिक कर दिया और फिर हमने हाइपरलिंक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। हाइपरलिंक ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही एक बॉक्स आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको जहाँ से फाइल लेनी है उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। हमने डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, फिर अपने पॉइंटर को ओपन फाइल पे लेके गए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत प्रकार की फाइल, बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप किस लोकेशन से फाइल लेना चाहते हैं आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने डेस्कटॉप पे किया क्लिक। हमने डेस्कटॉप पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, बहुत सारी फाइल्स आ गई। इसी प्रकार से आप किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस लोकेशन से आप फाइल को लेना चाहते हैं। हमने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इम्प्रेस फाइल को सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया जो पाथ लिखा हुआ है वहाँ पे उस फाइल की लोकेशन आ गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हमने अप्लाई पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अप्लाई पे क्लिक किया जो पाथ में जो लोकेशन नाम था वो हट गया। तो इसके लिए हम फिर से दोबारा से फाइल को सेलेक्ट करेंगे। हमने फिर से ओपन फाइल पे क्लिक किया और अपनी फाइल को फिर से सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी फाइल मिली और हमने ओपन पे क्लिक कर दिया, उस फाइल का लिंक आ गया है। अब हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर जाके क्लोज पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि स्लाइड के बीच में उस फाइल का लिंक यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से आपका हाइपरलिंक आ जाएगा। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करने के लिए पॉइंटर को वहां पे लेके जाएं, कंट्रोल के बटन को दबा के लेफ्ट बटन दबा दें। जैसे ही लेफ्ट बटन दबाएंगे वह फाइल ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब अपनी फाइल को पीडीएफ की फाइल में बनाकर दिखाएं। अगर पीडीएफ की फाइल को कन्वर्ट करने में कोई समस्या है तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से पीडीएफ की फाइल को बनाना सीखें। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चार स्लाइड को इंसर्ट किया है। पीडीएफ की फाइल बनाने के लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को फाइल मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा, फिर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने वहां पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अपने पॉइंटर को सिर्फ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे लेके आना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने अपने पॉइंटर को एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे लेके आए और वहां पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस फाइल को अब सेव करने का ऑप्शन आ गया है। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव करना है, जिस लोकेशन पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है।
हमें इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है। इसके लिए यहाँ पे हम एड्रेस बार में जाएंगे और डेस्कटॉप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोकेशन दिखाए जा रहे हैं। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया। अब अपने पॉइंटर को फाइल नेम में लेके जाना है और वहां पे क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अनटाइटल वन लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया है। इसको मिटा के जिस नाम से आप अपना फाइल को सेव करना चाहते हैं वह नाम यहाँ पे टाइप करें। हमने यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा लिखा और कंप्यूटर शिक्षा लिखने के बाद सेव के ऑप्शन को क्लिक कर दें। वहां पे पॉइंटर को ले जाएं और लेफ्ट बटन दबा दें। आपकी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी, वो पीडीएफ की फाइल में डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। अगर आप अपनी फाइल को देखना चाहते हैं, मिनिमाइज करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अपनी फाइल को मिनिमाइज करने के बाद उस फाइल को ढूंढें जहां पे आपने अपने फाइल को पीडीएफ की फाइल में बनाया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा ये फाइल है, हमारा पीडीएफ की फाइल है। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो आपने पीडीएफ की फाइल बनाया था वह फाइल ओपन हो गया। आपने 4 स्लाइड लिया था तो ये चारों स्लाइड का पीडीएफ की फाइल यहाँ पर बन गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके आप इनको देख सकते हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल के साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन है, तो आप इसे साइज को रिसाइज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके आप इन सारे फाइल्स को देख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इस फाइल को क्लोज कर दें और अपने इंप्रेस की फाइल को फिर से ओपन कर लें। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अपनी फाइल को सेव करें और कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने इंप्रेस के सभी ऑप्शन का रिवीजन किया। अगली क्लास में आप सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। आप सभी प्रैक्टिकल टेस्ट में उपस्थित रहें। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा।